नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 5 बजे 6 बजे उसने मैसेज किया अमित को, और क्या मैसेज किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मैसेज किया कि तेरे को मार दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और रात को एक कांड हो गया। क्या हुआ था? नाला सपरा संतोष भवन में सरफिरे आशिक ने प्रेमिका एवं उसके पति पर धारदार हथियार से किया वार। हमले में पति पत्नी हुए गंभीर घायल। अक्सर प्यार में धोखा खाए लोग कुछ ऐसी वैसी हरकतें आसानी से कर गुजरते हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहाँ विवाहिता महिला के पूर्व प्रेमी ने अपनी प्रेमिका एवं उसके पति पर धारदार हथियार से हमला कर जान लेने की कोशिश की। दरअसल मामला है नालासोपारा के संतोष भवन क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी अमित मिश्रा व ज्योति मिश्रा के ऊपर कल रात 2 बजे हुए हमले का। इस मामले में अब तक जो बातें सामने आई है, उन बातों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्योति मिश्रा का पूर्व आशिक, जो कि उत्तर प्रदेश से हाल ही में आया था, उसने प्यार में मिले धोखे के चलते अपनी प्रेमिका के साथ उसके पति पर जानलेवा हमला करके फरार हो गया। मामले की जानकारी पर तुलित पुलिस निरीक्षक राजन कामले ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा करते हुए घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। राजेंद्र कामले ने मीडिया के सामने इस मामले पर बयान भी दिया, लेकिन उसमें प्रेम प्रसंग का फिलहाल कोई जिक्र नहीं किया। घायल दंपति के पड़ोसियों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम प्रसंग की बात स्वीकारी। वीडियो में आगे सुनिए स्थानिक का बयान एवं पुलिस निरीक्षक द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी का वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर क्या पूरा मामला है, कैसे वारदात हुई थी, क्या क्या घटना, क्या बताएं? रात में अपने संतोष भवन साइड में एक घटना हुई थी, उसमें एक जो आरोपी है उसने घर का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस गया, और उसने जो अंदर सोए थे जो अभी जख्मी है उनको उसने चाकू से मारा है। वो अभी इंजोर को हॉस्पिटल में हम लेके गए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है, अभी उसका जवाब लिया है और एफआईआर दाखिल करने का काम अभी शुरू कर रहे हैं। सर, इस घटना के पीछे का अंजाम क्या था, कुछ मालूम नहीं? अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया, मगर अभी ये प्राइमरी स्टेज पर है, तो हम पहले आरोपी को, मतलब जो कंप्लेनेंट है, उसको पहले ट्रीटमेंट अच्छा देने के इसमें है, बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन बाद में। आपका अभिषेक दुबे। सर क्या मामला हुआ था, क्या बताएंगे? यहाँ पे कल रात को मेरे, मतलब बुआ बोलते थे हम उनको, उनके लड़के रहते थे, तो उनको है ना यहाँ पे, मतलब वो जो लड़के की, मतलब जो हमारे बुआ के लड़के थे उनकी जो वाइफ थी, उनसे किसी का कांटेक्ट हुआ था, तो वो गांव से आए हुए थे और उन्होंने आके डायरेक्ट रात को 2 बजे कर दरमियान दरवाज़ा तोड़ा है उन्होंने, और उसके बाद चाकू से वार किया गया है। ठीक है, कितने लोगों को इसमें मारा गया? 2 जन को मारा गया है। पहले जो मारा गया वो हमारे भाई थे अमित मिश्रा, उनको यहाँ वार किया गया है और हाथ पे मारा गया है, और जो हमारी भाभी लगती थी उनको यहाँ पे गले पे बीचों बीच वार किया गया है। जो आया था मारने के लिए वो किसी के पहचान का था? नहीं नहीं, वो उसका कोई भी यहाँ पे कोई उसको पहचानता नहीं था, वो डायरेक्ट गांव से आया हुआ है। क्या मामला हुआ था, क्या बताएं? मामला ऐसा था कि कल सुबह वो आया था लड़का चुपके, तो जब बाथरूम मेरी मम्मी गई, तो मम्मी बाथरूम से आई तो मेरे बाजू वाली भाभी ने देखा उसको, तो मम्मी को बताया कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो मम्मी ने और अमित के औरत से पूछा कि कौन है, तो पहले बोली कि मेरे गांव का है, मेरे बाजू का है। फिर वो लड़का बार बार झाँक रहा था कि कोई औरत लोग अंदर जाए तो मैं निकल जाऊँ, फिर जब कोई नहीं गया तो निकल के सब सबके सामने चले गया, फिर सब पूछने लगे उससे कि भाई कौन था कौन था, बाद में वो बहाना मारने लगी कि मुझे नहीं मालूम कौन था कौन नहीं था, ये सब बात वहाँ ख़त्म हो गया। फिर 4-5 बजे 6 बजे उसने मैसेज किया अमित को, अब क्या मैसेज किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मैसेज किया कि तेरे को मार दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और रात को एक कांड हो गया। क्या हुआ था रात को, क्या? रात को तो मैं काम पे था भाई। अच्छा, नाइट जो जो इसमें घायल हुए उनका नाम क्या है? अमित मिश्रा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।